Assalamu alaikum. When it comes to paying for tax, nobody really wants to tax pay tax. कौन चाहेगा कि अपनी इनकम का 30-40% उठा के गवर्नमेंट को दे दे? तो ऑब्वियसली बात है, लोग चाहते हैं कि वो टैक्स सेव करें, टैक्स बचाएं, टैक्स छुपाएं। तो टैक्स सेव करने के दो तरीके हैं, एक है टैक्स इवेजन और दूसरा है टैक्स अवॉइडेंस। लेट्स गो बुकिश फर्स्ट, बुकिश डेफिनेशन फॉलो करते हैं। इवेजन मीन्स इलीगल तरीके से टैक्स सेव करना, और अवॉइडेंस मीन्स बुक ये कहती है कि लीगल तरीके से टैक्स सेव करना। सादा एग्जांपल, इवेजन ये है कि एक बंदे की इनकम हुई है 1 मिलियन, लेकिन वो रिपोर्ट कर रहा है 5 लाख की, बाकी 5 लाख छुपा रहा है, इवेजन है। एक बंदे के रियल एक्सपेंसेस सिर्फ 10 लाख के हैं और वो 50 लाख के एक्सपेंसेस छुपा रहा है, दिखा रहा है, और अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा के दिखा रहा है ताकि प्रॉफिट कम हो जाए, इलीगल है, इवेजन है। सर व्हाट इज़ अवॉइडेंस? मैं यूके टैक्स से एक एग्जांपल देता हूँ। यूके में एक अकाउंट है जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट। अगर आप उस अकाउंट में अपना पैसा रखें तो उसकी इंटरेस्ट इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, यानी वो टैक्स माफ़ है, गवर्नमेंट नहीं माफ़ किया हुआ, एक सर्टेन लिमिट तक टैक्स माफ़ है। तो दिस इज़ टैक्स अवॉइडेंस, ये बुक कहती है, राइट? कुछ सालों पहले एक इनकम टैक्स कमिश्नर से मुलाकात हुई, तो मेरे सब्जेक्ट टैक्स है तो मैं हमेशा बात करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी क्या राय है इवेजन और अवॉइडेंस के बारे में? तो उन्होंने मुझे कहा कि मुस्तफ़ा, मेरी नज़र में दोनों गलत हैं, बस एक फ़र्क है। बोला, इवेजन करते हुए पकड़े गए तो अंदर हो जाओगे, सज़ा है, अवॉइडेंस करते हुए पकड़े गए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, यानी ऐसी चालाकी से टैक्स चोरी करना है। तो मैंने कहा कि जब आपके नज़र में अवॉइडेंस का ये व्यू है तो मुझे मिसाल दें, क्योंकि बच्चा तो एग्जांपल मांगता है। तो उन्होंने कहा, मैं दो एग्जांपल देता हूँ, बात समझ जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल गौर से सुने, पाकिस्तानी टैक्स में इस वक्त 6 लाख की लिमिट है कि अगर 6 लाख से कम की आपकी इनकम है तो आपको यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स, राइट? लेट अस से अब मेरी इनकम 18 लाख है, तो उसूलन 18 लाख 6 लाख से ऊपर है तो मुझे टैक्स देना चाहिए। लेकिन मैंने क्या करा, उस 18 लाख को डिवाइड बाई 3 करा, 6 लाख अपनी वाइफ के नाम से दिखाए, 6 लाख मेरे नाम से और 6 लाख बेटे के नाम से। तो अब इनकम तो पूरी डिस्क्लोज हुई, लेकिन हम तीनों को अलग अलग कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि 6-6 लाख के अंदर है हम। तो काम तो गलत ही है, असल में इनकम मेरी थी लेकिन मैंने डिस्क्लोज पूरा कर दिया और अब मैंने कुछ छुपाया भी नहीं है, तो गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकती, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, गौर से सुनना। उन्होंने, उन टैक्स कमिश्नर ने अपनी लाइफ की एक स्टोरी सुनाई। बोला, एक कंपनी थी, उसके अकाउंटेंट ने अपने एक एसेट को चेक करा तो उस एसेट को उन्होंने डिस्क्लोज़ किया हुआ था 10,000 में, 10,000 रुपये में डिस्क्लोज़ किया हुआ था टैक्स वालों के सामने। अकाउंटेंट ने उसी वक्त उस एसेट की मार्केट वैल्यू निकाली तो मार्केट वैल्यू आई 1 लाख। ज़रा सोचो, 10,000 का एसेट खरीदा था, मार्केट वैल्यू 1 लाख आई। अगर अभी अभी बेचते हैं तो 10,000 की चीज़ 90 में बिकेगी, 1 लाख में बिकेगी, तो 90,000 का कैपिटल गेन होगा। और लेटेस्ट से मुल्क में टैक्स रेट है 40%, तो 90,000 का 40% 36,000 का टैक्स देना पड़ेगा। अब अकाउंटेंट ने सोचना शुरू किया। उसी वक्त गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की हुई थी। पाकिस्तान में टैक्स एमनेस्टी स्कीम नॉर्मली आती हैं। टैक्स एमनेस्टी स्कीम मीन्स तौबा का दरवाज़ा खुला है। तो वो 2% की टैक्स एमनेस्टी स्कीम थी कि आपने जो भी एरर्स किए हैं, फ्रॉड किए हैं, जो भी किया है, जो पैसे छुपाएं वो डिस्क्लोज करें और 2% देके पाक साफ हो जाए। अकाउंटेंट ने उसी वक्त टैक्स डिपार्टमेंट कॉल की और बोला, यार हमसे गलती हो गई है, हमने अपनी 1 लाख की मशीन को आपके सामने 10,000 पर डिस्क्लोज किया था। तो टैक्स वाले तो खुश हो गए, बोला, आए आए फौरन, अभी सही करवा लेते हैं। तो टैक्स वालों ने उस 10,000 की चीज़ को 1 लाख पे कन्वर्ट कर दिया, 90,000 का एरर करेक्ट किया और चार्ज किया 2%। तो 90,000 टाइम्स 2% इज 1,800, ठीक है? अब वो मशीन टैक्स वालों की नज़र में कितने की हो गई, 1 लाख की। वेरी नेक्स्ट ईयर अकाउंटेंट ने उस मशीन को 1 लाख में बेचा, क्योंकि मार्केट वैल्यू 1 लाख थी, तो 1 लाख में बेची, डिस्पोजल प्रोसीड 1 लाख और टैक्स वालों की नज़र में कॉस्ट भी 1 लाख हो गई है, गेन आया 0, कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ा। ज़रा सोचें, जहां टैक्स 36,000 पे करना था वहां सिर्फ 1,800 पे करके जान छुड़ा ली। टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर कह रहा है, बोला, मुझे पता है उसने ये हरकत की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अपने हाथ से सही करके दिया, यार अब क्या कर लें। तो टैक्स अवॉइडेंस भी गलत है, लेकिन फिर गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। आई होप आप बात समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।